छत्तीसगढ़ की पुलिस एवं प्रशासन ने कसी कमर बुढ़वा मंगल की तैयारियां हुई पूरी। पूर्व की भांति धूमधाम से मनाया जाएगा बुढ़वा मंगल का पर्व। आपको बताते चलें, उत्तर भारत का प्रतिष्ठित मठ पंचमुखी हनुमान मंदिर कानपुर नगर में स्थित है, जहां पर बुढ़वा मंगल के अवसर पर आसपास के जनपदों के साथ साथ प्रदेश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु आकर हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। ऐसे में कमिश्नर पुलिस ने अपनी तैयारी चाक चौबंद कर ली है। वहीं जिला प्रशासन ने भी तमाम तरीके की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। दर्शन एवं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कमिश्नर पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर महिला एवं पुरुष को सुगमता से दर्शनों उसकी व्यापक व्यवस्था की हुई है, जिसके लिए तमाम पुरुष एवं महिला पुलिस बल की तैनाती मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र में की गई है। देखिए संवाददाता उमेश भार्गव की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश और पूरे अन्य आसपास के कई जनपद के जिलों में ये दीपावली के पर्व की तरह से बुढ़वा मंगल का पर्व हर घर में मनाया जाता है। लोग अपनी सुख और शांति के लिए जो आ सकते हैं वो दरबार में आते हैं, जो नहीं आ सकते हैं वो भगवान का पुआ बनाकर, बेसन के लड्डू बनाकर अपने भगवान के लिए वहीं घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और आज के समय में इस कलयुग में हनुमान जी की प्राथमिकता ज़्यादा है, इसलिए कि हनुमान जी को ही केवल अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुई, जैसा कि कहा भी गया है हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज हैं। और इस समय हर व्यक्ति बहुत परेशान हुआ है, इसलिए हनुमान जी की शरण में आके अपनी अर्जी लगाता है और उनसे अपने जीवन में सुख की कामना करता है। मंदिर प्रशासन की ओर से, शासन और प्रशासन की ओर से बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे निर्देश दिए हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस के वरिष्ठ कमिश्नर आदि बराबर दिन पर दिन मीटिंग करके और हर वक्त मंदिर पे टाइम दे रहे हैं, इस बात के लिए कि जनमानस में धर्म के आस्था पे किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे और सभी को बढ़िया शांत प्रिय ढंग से दर्शन हो और सभी लोग हनुमान जी से अपनी कामना करके हमें भी आशीर्वाद प्रदान करके जाएं, ऐसी पुलिस प्रशासन और शासन की मंशा है। लगभग कितने श्रद्धालु इस बार दर्शन करेंगे? क्योंकि पिछली बार कोरोना का कार्यकाल था इसलिए लोग बहुत कम, बड़ी वेदना हुई, लेकिन ये लगता है कि 4 से 5 लाख के बीच में लोग कल हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बुढ़वा मंगल त्योहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने हेतु पिछले 10 दिनों से हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें सभी सिस्टर डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित करके, इसमें मेनली PWD, नगर पालिका, आपका KDA, विद्युत विभाग और अन्य सभी सैनिटेशन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके, मंदिर प्रशासन के साथ, मंदिर के जो महंत हैं उन लोगों के साथ मीटिंग की गई और जो भी प्रॉब्लम्स पहले के सालों में इस त्यौहार के दौरान आई गई है उन सभी पे चिंतन करके उन सभी का सोल्यूशन निकाला गया और डेली लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग की गई और उसी के अनुरूप हमारी तैयारियां बिल्कुल ट्रैक पे हैं। और आज शाम को जब मेले में श्रद्धालुओं का आना शुरू होगा तब से लेके परसों सुबह तक हमारी ड्यूटियाँ यथावत बनी रहेंगी, बाकी सभी सिस्टर एजेंसीज भी कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेंगी और मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरी व्यवस्था में हम सुचारू रूप से करते हुए मेले को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे लगभग 15 गैस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनको सहयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, PAC, सिविल पुलिस, LIU और हमारे बाकी डिपार्टमेंट, रेडियो कंट्रोल रूम यहाँ स्थापित किया गया है, फायर की ड्यूटीज यहाँ पे रहेंगी, बाकी सभी ड्यूटीज पर्याप्त संख्या में लगाई गई है जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं, एंटी रोमियो दल को भी सक्रिय किया गया है और इंटेलिजेंस को वो करने के लिए LIU